तो भाई ये है गाड़ी टोयोटा सर्फ जो कि 1 महीने के लिए पानी के अंदर चली गई थी, पता नहीं कैसे, लेकिन यार फिर भी गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ओके है। ये तो बेचारी का सामान वामान निकाल दिया गया है, वरना जब ये सेट होगी ना पापा तो मेरे ख्याल से इसको कलर की जरूरत भी नहीं है। कलर की जरूरत नहीं है और सेट होने के बाद ये 22 से 23 लाख रुपए की गाड़ी है। तो हेलो गाइस, यार वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई हम लोग भी जो है पार्क व्हील्स के एक्सपो सेंटर वाले में, क्या है पापा, वो फेस्टिवल है पार्क व्हील्स का, हम लोग भी उसमें जा रहे हैं। आज नहीं जा रहे लेकिन उसकी जो पेमेंट है, जो कि उसकी फीस है एडमिशन की, वो पे करवाने के लिए हम लोग बैंक जा रहे हैं। टाइम हमारे पास काफी कम है, आधा घंटा रह गया, जल्दी से हम लोग को बैंक पे पहुंचना है। 5 बजे बैंक बंद हो जाती है और उसके बाद यार गाइस आज मैं आप लोगों को एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो कि पापा कितने दिनों से, वो तकरीबन 1 महीने से समंदर के अंदर थी, 1 महीने से समंदर के अंदर फंसी हुई थी और अब निकली है, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, और आज मैं आप लोगों को वो गाड़ी भी दिखाऊंगा, तो पहले चलो पहुंचते हैं बैंक पे। भाई गाड़ी हम लोगों ने अपनी यहीं पे पार्क कर ली है, बैंक आगे है, दूर है थोड़ा सा, पैदल जाएंगे हम लोग। हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए पार्क की क्योंकि यहाँ से कट है, फिर हमें जो है ना आसानी होगी वापस होने में। चलो चलते हैं बैंक। तो भाई वापस हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास और सारा सीन मैं आप लोगों को गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। अरे भाई कवे कहाँ से आए, डरा रहे हैं मेरे को तो ये। चलो बैठो वापस गाड़ी में और अभी मैं आप लोगों को सारा सीन समझाता हूँ कि हुआ क्या है। तो भाई पार्क व्हील्स के अकाउंट में हम लोगों ने पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं, मतलब कि फीस हम लोगों ने ट्रांसफर कर ली है और ये है उसकी रिसीप्ट। मतलब कि ये क्या है पापा, ये स्लिप है उसकी, हम लोग गेट पास है। भाई अब हम लोग भी जाएंगे 17 तारीख को ना, 17 को संडे को जो हम लोग भी जाएंगे पार्क व्हील्स के एक्सपो सेंटर वाले फेस्टिवल में, जिसमें गाड़ियां सेल भी होती हैं और लोग लेने भी आते हैं, तो हम लोग तो वहां पे मजा करेंगे। लेकिन अब पापा जो वो गाड़ी जो डूब गई थी उसका एड्रेस कहाँ पे, शफकत अंकल को पता होगा ना। अभी मैं कॉल करता हूँ, वो एड्रेस बताएगा, हम चलते हैं। चलो भाई ठीक है, चलते हैं फिर। भाई ये गाड़ी देखो आगे जा रही है, मेरे ख्याल से तो कोई ये प्रोजेक्ट बिल्ड गाड़ी है, मतलब कि अगर मैं आप लोग को दिखाऊं उसके टायर देखो भाई कितने बाहर लगे पड़े हैं, पूरी गाड़ी मेरे ख्याल से नई तैयार हो रही है और ये डेंट पेंट हुई भी है। वाह वाह भाई क्या तो गाड़ी है, बिल्कुल ही मतलब नेक्स्ट लेवल लग रही थी, प्रोजेक्ट गाड़ी थी भाई ये, मेरे ख्याल से स्टारलेट थी। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है, मतलब कि जिस जगह पे वो गाड़ी खड़ी है ना वो किसी शोरूम के आसपास खड़ी है, लेकिन हम लोग वहां पे पहले नहीं गए, हमें इस बारे में बताया शफकत अंकल ने, वो ना वहीं पे मैकेनिक के पास जो अपनी गाड़ी का काम करवा रहे थे, लेकिन अब वो उनका कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल उठा नहीं रहे और हम लोग यार कंफ्यूज हो गए हैं कि यार कहाँ होगी यार गाड़ी। तो अभी जो हमारे लिए मेन इंट है वो है शोरूम, अब देख रहे हैं हम लोग शोरूम ढूंढ रहे हैं, शायद उसके बाहर कहीं खड़ी हो गाड़ी। तो भाई हम लोग तो वापस जा रहे थे लेकिन हमारी कॉल शफकत अंकल ने उठा ली और भाई हम लोग तो मतलब उन्होंने हमें बोला कि शोरूम के पास खड़ी है गाड़ी, लेकिन ये नहीं बताया कि यार शोरूम बंद है। तो भाई शोरूम बंद है और वहीं पर कहीं पर अंदर गाड़ी खड़ी है और बन रही है, तो चलो अभी दोबारा चलते हैं और देखते हैं भाई कहाँ पे। तो भाई पप्पा जा रहे हैं आगे, मतलब कि वहां पर भी एक तरह का शोरूम ही लगा पड़ा है और दरवाजा बंद है। अगर मैं आप लोग को यहाँ से दिखाऊं तो भाई यहाँ पर एक BMW, एक सिविक है, एक स्टारलेट है और ऊपर शोरूम के जैसा ही सीन लग रहा है, साजिद ऑटोस लिखा हुआ है। तो अब्बू इधर गए, अभी देखते हैं क्या सीन है अगर यहाँ पे तो सही, वरना फिर आगे चलते हैं। तो भाई पापा अभी वापस आ रहे हैं, पापा से पूछते हैं यहाँ पर है गाड़ी। आ गए। हाँ पापा यहाँ पे गाड़ी है, वो कह रहे थोड़ा आगे जाओ वर्कशॉप पे, वहां पर है। चलो ठीक है चलते हैं। तो भाई हम लोग इस जगह पर आ गए, इस जगह का नाम है नई मोटोस और यहाँ पर अंदर गाड़ी खड़ी है, तो अभी चलो अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। तो भाई यहाँ पर हम लोग वर्कशॉप पे आ गए, गाड़ियाँ यहाँ पे सारी खड़ी हैं और जो गाड़ी सर्फ है जिसके बारे में हम लोग आपसे बात कर रहे थे कि जो कि गाड़ी पानी में चली गई थी वो ये रही, अभी देखते हैं इसका क्या सीन है भाई। वाह 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 ओके पप्पा, ये क्या है बेटा, ये गाड़ी थी डूब गई थी, ये निकाली, अब इसका इंजन दूसरा लिया है। अच्छा, इसका अपना जो इंजन है वो खत्म हो गया था। अच्छा तो इसका उस्ताद आज आया नहीं, वरना उससे बात करवाते। अच्छा, तो बच्चा बैठा हुआ है। अच्छा तो भाई ये है गाड़ी टोयोटा सर्फ जो कि 1 महीने के लिए पानी के अंदर चली गई थी, पता नहीं कैसे, अब यहाँ पर कोई है नहीं वरना मैं आपको पूछवा देता कि भाई क्या सीन हुआ था, लेकिन दरवाजा वराजा नहीं खुल रहा इसके। नहीं ये असल में उसको क्रेन से उठाया ना इसलिए खराब हो गया, ये इंजन लेकर आए। अच्छा इंजन नया लेके आए, हाँ इंजन इसका नया, ये पार्ट्स भी इसी के होंगे फिर तो। हाँ ये तकरीबन ज्यादा सामान इसी का लेके। भाई ये देखो आप लोग यहाँ पे इंजन के नए पार्ट्स यहाँ पर आ गए, ये भी और ये भी, ये इंजन ही है पापा, मेन इंजन है, हेड है ना मेरे ख्याल से, हेड है, ये है ये ब्लॉक है। ठीक है भाई, और यहाँ पे सारा सामान आप लोग देख पा रहे हो, ये सारा रखा हुआ है गाड़ी, इस गाड़ी का है भाई, ये सारा सामान दूसरी गाड़ियों का है। अच्छा ये भाई ये दूसरी गाड़ियों का है, आप चलो गाड़ी को क्लियरली देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, अगर 1 महीने के लिए पानी के अंदर गई है तो यहाँ पे क्या सीन है। भाई तुम्हारा ब्लॉग बनाऊँ क्या,
तो भाई चलो इंजन रूम से देखते हैं गाड़ी में क्या सीन है। लेकिन पापा गाड़ी अभी बची हुई है, एक महीने में पानी गाड़ी ओके, बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ, इंजन इसका सीज हो गया, सब लोग खत्म हो गया। अच्छा बाकी चीजें तो थी ना, कार्ड वगैरह ये वो, कार्ड वार्ड ये सारी चीजें पूरी नहीं डलेंगी, बाकी चीजें सिर्फ ये गाड़ी की बॉडी है, ये सीटें वीटें कुछ आप देख रहे हो, ये सारा ये सही है ओके। अच्छा ओके, हर चीज ओके है, इसकी सारी ये सारे चेंज हो गए, कपड़े वपड़े, इसका सनरूफ वनरूफ, ये सनरूफ वाली नीचे आप देख चेक करोगे ना, सनरूफ कहाँ है, सनरूफ नहीं है भाई, सनरूफ नहीं है इसमें, ब्लैक कलर की टोयोटा सर्फ है। मॉडल कौन सा होगा ये? ये 95 होगा, 95 मॉडल है इस गाड़ी का। और यार यहाँ पे वर्कशॉप है, ये गेट आप लोग देख पा रहे, इस वर्कशॉप को यहाँ पे बंद हो जाता है और यहाँ पर अंदर गाड़ियां बनती है, एक गाड़ी वो रही, एक गाड़ी ये रही, एक गाड़ी ये भी रही। हाँ उस्ताद भी नहीं आया अभी तक, वरना उस्ताद से बातें करते और बताता कि उस्ताद कितने दिनों में ये हमें दे देता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई ये गाड़ी वैसे सेल हो रही थी, हमें शफकत अंकल ने बताया था कि गाड़ी के साथ ये सीन हुआ है और ये गाड़ी सेल हो रही है, तो अब्बू ने बोला चलो हम चलते भी हैं और तुम व्लॉग भी बना लेना, लेकिन अभी यहाँ पर कोई है ही नहीं, अभी ये सेल नहीं हो रही, अभी इसको बना रहे हैं। अच्छा अभी सेल नहीं हो रही है ये, तभी ये सामान वामान मंगवाया है। हाँ अगर हम लेते तो फिर हम लोग सामान वगैरह मंगवाते इसका, और भाई सस्ती सेल होती उस टाइम, लेकिन उस टाइम हम लोग जल्दी की नहीं, हम लोगों ने कर ली लेट, लेकिन मैंने बोला भाई फिर भी वो गाड़ी तो देखें जो कि यार एक महीने के लिए पानी के अंदर चली गई थी, लेकिन यार फिर भी गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ओके है। ये तो बेचारी का सामान वामान निकाल दिया गया, वरना जब ये सेट होगी ना पापा तो मेरे ख्याल से इसको कलर की जरूरत भी नहीं है, कलर की जरूरत नहीं है, और सेट होने के बाद ये 22-23 लाख रुपए की गाड़ी है। और आपको कितने मिल रही थी तब? ये तब मुझे मिल रही थी 6.5 लाख रुपए में, 6.5 लाख रुपए में। और आपने क्यों नहीं ली यार? बस देर हो गई मुझसे, देर हो गई। और गाइज आपको पता है सर्फ गाड़ी जो है मेरी ड्रीम कार है और बहुत ही जल्द मैं इसको लेने वाला भी हूँ, मुझे काफी पसंद है सर्फ गाड़ी। और बस यार ये रह गए हमसे, तो ये है गाड़ी टोयोटा सर्फ और इसका इंजन चेंज होगा। चले पापा वापस, चलो बेटा चलो भाई चलो वापस चलते हैं। तो चलो भाई वापस चलते हैं वर्कशॉप से, लेकिन यहाँ पर एक कुत्ता जो है जो कि हमारे पीछे पड़ गया है, मतलब कि ये पता नहीं मेरे को लग रहा है ये रोकी है, ये रोकी है, कुत्ता है, बकरी है भाई, काट ना ले बस, ये बेचारा यहाँ पे आसपास घूम रहा है। ओ पापा काटेगा 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 रोकी रोकी काटेगा भाई, ये भागता हुआ आ रहा है भाई, मेरे को डर लगता है कुत्ते से, भागो इससे भागो भागो। तो भाई ये रही अपनी गाड़ी, भाई बड़ा ढूंढा है इस गाड़ी को हम लोगों ने और आखिरकार हमें मिली गई। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं वापस, आज भाई जुम्मे का दिन था, वर्कशॉप थी बेचारी बंद, वरना इस गाड़ी के बारे में हम लोगों को काफी डिटेल्स मिल सकती हैं कि कब ये जो गाड़ी पानी में गई और कैसे गई, इस बेचारे लड़के को नहीं था पता जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। तो चलो चलते हैं वापस, भाई गाड़ी तो हम लोग देख कर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर हमारी गाड़ी में पता नहीं क्या मसला हो गया है, ये आप लोग देख पा रहे वाइब्रेटिंग कर रही है, पता नहीं क्या हमारी गाड़ी में मिसिंग आ गई अचानक से, पापा लगता है मैकेनिक के पास चलना पड़ेगा। हाँ मुझे लगता है इसकी जो कॉइल है ना, हाँ तो इनमें मसला आ गया है, हाँ या तो फिर कार जो है ना, हाँ उसमें जंग आ गया होगा, हाँ कार्बन आ गया होगा, इस वजह से कर रही है। हाँ भाई गाड़ी वाइब्रेटिंग कर रही है और मिसिंग कर रही है, काफी अटक अटक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी बंद हो जाएगी। चलो भाई बंद करते हैं इसको और चलते हैं हम लोग मैकेनिक के पास। तो भाई आज तो जुम्मा था, जुम्मे की रस्म जो है मैकेनिक बंद थे, लेकिन यहाँ पर ना पापा बोल रहे हैं कॉइल वगैरह में मसला नहीं है, ये जो है गाड़ी आरपीएम गिरा रही है। अगर आप लोग यहाँ पे मैं आपको फोकस करके दिखाऊं तो यार ये देखो आरपीएम जो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कि गिर रहा है, तो ये आप लोग खुद ही सेट कर लोगे पापा? हाँ मैं चेक करता हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगी। और अभी शफकत अंकल भी तुम्हारे आ गए। हाँ चलो अब इनसे पूछते हैं क्या सीन है। भाई गाड़ी हम लोगों ने अपनी पार्किंग में पार्क कर ली है और शफकत अंकल आ गए यहाँ पे, हमें जो सर्फ गाड़ी थी उसके बारे में शफकत अंकल ने बताया था कि भाई ये गाड़ी थी। और ये क्या है? ये शफकत अंकल ने चाइना से मंगवाया अपनी गाड़ी के लिए, ये यहाँ लगता है, ये देखो ये इस चीज का है, ये इसका है, ये चाइना से पार्सल आया है, ये देखो। अच्छा आपकी ये गाड़ी ये कितने का है? ये मिला 700 रुपए, 700 पाकिस्तानी। अच्छा और ये पाकिस्तान में लेंगे तो आपको 2500 रुपए मिलेगा। पैर आपने पैर मंगवाया? पैर मंगवाया था, उसमें निकला एक। अच्छा दोस्तों ये देखो पैसे डबल दिए, निकला सिंगल है, ये एक ही साइड का है। अच्छा आपकी गाड़ी में दोनों नहीं है? दोनों नहीं है, तो ये तो फ्रॉड है ना। फ्रॉड करके स्कैम हो गया दोस्तों, ये स्कैम ऐसे भी होता है। ये देखो पार्सल है, हर चीज इसकी पैकिंग वैकिंग कितनी खूबसूरत शानदार है, लेकिन एक आया है। अच्छा भाई गाड़ी हम लोगों ने अपनी फाइनल यहाँ पे पार्क कर दी है बस, और ये गाड़ी में हमारी शराड यहाँ पे खड़ी है, इसका भी कुछ करते हैं, पेट्रोल नहीं इस बेचारी में। और अपने आज के ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इस ब्लॉग को लाइक करना, मस्त से मस्त लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।